ये देखिए हमने बोतल के अंदर ये लगा रखी है और कितनी घनी गुलदावदी हमारी खिली हुई है। जो गुलदावदी है इसमें इसके अंदर कोई बोन मील नहीं डाला हुआ, कुछ नहीं डाला हुआ है, सिर्फ हम गोबर की खाद डालते हैं। फ्लावर आपका हो जाता है, इसको आपको लगभग यहाँ से ऐसे तोड़ देना है, नहीं तो ये क्या होता है कि पेड़ की एनर्जी को लेता रहता है। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ऐसी मूली आपने शायद ही देखी हो, ये शायद हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत कम लोगों ने देखी होगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, देखिए बहुत ही सुंदर है। एंटी फंगस पानी के अंदर इसको अच्छी तरह से धो के इन सब एडेनियम्स को हम लटका देते हैं। गुड़ और हल्का सा बेसन इसमें डल जाता है तो खूब अच्छी तरह से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। उसे काट के सीधा तेल में छौंक लगा के सूखी सब्जी इसकी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। और वैसे हम इसको चावल के साथ भी खाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करें पे। दोस्तों आप जानते हैं कि मेरे चैनल पे अक्सर टेरेस गार्डन वीडियोस आती रहती हैं, तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ मैं अपने चैनल पे आया हूँ। तो आज मैं हूँ वसुंधरा गाजियाबाद में हरीश जोशी जी और उनकी वाइफ आशा जी के साथ। सर नमस्कार। नमस्कार 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 संदीप जी। तो सर के बारे में मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा था, इनकी वीडियोज़ वगैरह भी मैंने काफ़ी देखी थी, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा इनका गार्डन। और आज मैंने यहाँ पे विजिट किया था, मैंने देखे काफ़ी सारे तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल प्लांट्स हैं, और सर एडेनियम पे भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो हम सर से सर की जर्नी जानते हैं, कैसी रही उनकी गार्डनिंग की जर्नी। संदीप जी नमस्कार, मैं पहले आपका स्वागत करता हूँ मेरे गार्डन में। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने अपना कीमती वक्त मेरे को दिया। संदीप जी मैं पिछले लगभग 20 साल से ज़्यादा ही हो गया ये गार्डनिंग का शौक मुझे चढ़ा है और लगातार कर रहा हूँ। आप जो देख रहे हैं मेरी गुलदावदी है, गुलदावदी तो लगभग ये 20 साल से ही मेरी कंटिन्यू है, और आप यकीन नहीं मानेंगे इसमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होंगे जो एक के बाद दूसरे रिपीट होते रहे। अच्छा। मतलब ये जो ओरिजिनली हैं मेरे पास चले आ रहे हैं क्योंकि मैं इनको सेव करके रखता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे इसमें से क्वालिटीज़ हैं, कम से कम 7-8 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो 20 साल से मेरे पास लगातार चली आ रही हैं, कंटिन्यू हैं। मतलब इनकी जस्ट कटिंग वगैरह मैं रखता हूँ, और दूसरे फ्लावर्स भी हैं, गुलाब भी हैं। स्टार्टिंग में मैंने गुलदावदी से ही स्टार्ट किया था, किसी के घर गया वहाँ से देखा मेरे को प्लांट अच्छा लगा तो शायद कुछ होता है, तो तब से मैं इनके साथ साथ और भी दूसरी चीज़ें हुई, फिर बाद में दूसरी हमने कुछ वेजिटेबल्स भी छत पर लगाने स्टार्ट किए। अडेनियम से भी आपने? अडेनियम मेरे को एक मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था तो वो बहुत अच्छा लगा, उसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी लगी तो मेरे को बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगा, तो मैंने एक अडेनियम से आज अपने पास कम से कम 40 के करीब अडेनियम बना लिए। बना तो मैंने 200 लिए हैं लेकिन मैंने 150 अडेनियम लोगों को गिफ्ट भी कर दिए हैं। काफ़ी चीज़ें हमने यूज़ भी की हुई हैं, चाहे कोई वेस्ट बैग हो या कुछ भी हो तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, सब ले आता हूँ छत में और कहीं ना कहीं उसका यूज़ करते हैं। अब मैम का भी पूरा सहयोग रहता है इसमें, तो अभी कैसे आप लोग मैनेज करते हैं, जैसे टाइम कैसे दे पाते हैं इसके लिए, कैसे टाइम निकालते हैं? संदीप जी आपसे मेरी बात हो रही थी, आप जॉब भी करते हैं? हाँ मैं तो जॉब करता हूँ तो सिर्फ सैटरडे संडे ही मैं निकाल पाता हूँ। हाँ जी, सैटरडे को हम दोनों 3-4 घंटे गार्डनिंग पर देते हैं, सैटरडे या संडे में इतना तो हमें देना ही पड़ता है, और जब इनका प्लांटिंग का टाइम होता है तब कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब है तो कुछ गवर्नमेंट में हॉलीडेज़ भी आती हैं, छुट्टियाँ भी होती रहती हैं, सरकारी छुट्टियाँ होती हैं, उसका भी हम फ़ायदा उठाते हैं। और मैडम मेरा पूरा हेल्प करती हैं घर में, ये पानी वानी डालने का इसका ये सब इन्हीं का रहता है, और अब ये अपना चैनल चला रही हैं तो अब ये भी काफ़ी सीख गई हैं कैसे क्या डालना है, कैसे किस प्लांट को लगाना है, तो काफ़ी ये भी खुद लगा देती है, तो लगा के अब मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैं थोड़ा सा निश्चित रहता हूँ, पहले जो इतना बड़ा स्वयं मैनेज करता था, अब मैडम पूरी मेरी हेल्प करती हैं। तो फ्रेंड्स हम अब सर के प्लांट देखना चाहेंगे पूरा का पूरा, मैं इनका टेरेस गार्डन टूर आपको कराऊंगा, सभी प्लांट्स में हम बात करने वाले हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर विजिट करिएगा इनकी रील्स देखने के लिए। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आए दिन आती रहती हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो संदीप जी आपका फिर से स्वागत है मेरे गार्डन में, आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ अपने गार्डन का, थोड़ा पहले बता दूँ कि क्या क्या मैंने लगा रखा है, कैसे कैसे मैंने मैनेज किया हुआ है। आप आएंगे तो देखेंगे, गेट से इंटर करते ही देखिए मेरी ये गुलदावदी आपका स्वागत करती है, अलग अलग किस्म की मैंने गुलदावदी लगा रखी है, देखिए ये सारी मेरी गुलदावदी है। पीछे की साइड मेरी थोड़ा सा वेजिटेबल्स का मैंने लगा रखा है, ऊपर भी आप जो देख रहे हैं ये सब वेजिटेबल्स के हैं, इसमें बीन्स वगैरह मैंने हैं सेम की हैं, और इधर मैंने कुछ कबाड़ वगैरह का जुगाड़ करके, ये टंकी हमारी पानी की ख़राब हो गई थी तो उसको काट के ये देखिए इस प्रकार से ये हमने
जुगाड़ करते हुए लगाया हुआ है, पालक वगैरह लगाया हुआ है। ये मेरे रोजेस का टाइम है। बहुत ही अच्छी वर्टिकल गार्डनिंग भी सर ने की है। हाँ, ये सामने वर्टिकल गार्डनिंग है, उसमें ड्रिप इरिगेशन लगा रखी है। तो उसमें वो जो बोतल देख रहे हैं आप, वो कैंपाकोला की बोतल ही है हमारी, वेस्टेज है। ये देखिए हमारा टावर है, ये मैंने पिटूनिया टावर, इसको हम गर्मियों में हम इसमें पर्सलिन लगाते हैं, सर्दियों में इसमें पिटूनिया लगता है। अगेन यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए हैं फ्रेंड्स, ये हमारे सारे फ्लावरिंग है। और यहाँ पर कुछ हमारे वेजिटेबल्स हैं, टमाटो हैं, पीछे ग्रो बैग रखा हुआ है, उसमें मैंने गोभी वगैरह लगा रखी है। यहाँ पर भी हमने कुछ वेजिटेबल्स ही लगाए हुए हैं। ये सारा हमारा वेजिटेबल्स का, वो मेरी छोटी नर्सरी है जहाँ पर मैं पौध को अपनी तैयार करता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से मैंने अपने गार्डन को मैनेज किया हुआ है। हम लोग एक्चुअली सब्जी भी लगाते हैं, साथ में फ्लावरिंग प्लांट्स का भी मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है। ओके, सब्जियाँ फ्लावरिंग प्लांट दोनों ही मेरे हैं यहाँ पर छत। तो फ्रेंड्स हम चलिए स्टार्टिंग करते हैं, ओवरव्यू तो सर ने दे दिया, अब हम स्टार्टिंग से ही यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो इस टाइप के काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स सर ने लगाए हुए हैं, जी सर बताइए इसके बारे में। ये सब गुलदावदी है मेरी, आप देख रहे हैं कि मेरे को अलग अलग प्रकार की मैंने गुलदावदी है। और इस गुलदावदी को आप देखेंगे, अगर बेसिकली देखेंगे तो ये देखिए सिर्फ ये किस्म लगी हुई है मेरी, जो 2 लीटर की जो कैंपाकोला की बोतल होती है, 4 बोतलों को मैंने एक में ग्रो कर दिया। और इसमें देखिए सैकड़ों फ्लावर्स आपको आ रहे हैं और अलग अलग कलर के ये खिल रहे हैं, कुछ कलर्स भी अपने चेंज कर देती है गुलदावदी। मैंने देखा है अब काफ़ी टाइम से मैं महसूस किया है कि अपना कलर भी चेंज कर देते हैं। ये पाइप में है, देखिए पानी का पाइप काट के मैंने उसमें लगाया हुआ है। ओके, हाँ, और ये देखेंगे आप क्रोट, ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये कोलियस है, ये भी हमारा बोतल के अंदर है इस प्रकार से। तो जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं हम इनका वेस्ट यूज़ कर लेते हैं, इवन पॉलीथीन में भी हम लगा लेते हैं। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो वेस्ट रहती हैं उनमें कोशिश रहती है कि अपने जो भी प्लांट्स हैं वो लगाए जाएं। जी 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 बिल्कुल। पीछे की तरफ देखिए फ्रेंड, एक यहाँ पे भी अडेनियम है बहुत ही खूबसूरत, और ये भी देखिए कितना, ये अडेनियम लगभग 4.5-5 साल का हो गया है। और इसका मैं भी अदर प्लांट आपको दिखाऊंगा। ओके, जिससे मैंने ये बनाया है आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये देखिए ये इसका मदर प्लांट है, ये देखिए फ्रेंड्स इसी से मैंने इसको बनाया है, इसी से ये ग्रो हुआ है, ये मदर प्लांट है। अभी मैंने इसमें प्लास्टिक वगैरह लगा दिए जिससे ओस वगैरह न गिरे, मैं इसमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं डाल रहा हूँ। ये हमारा 3-in-1 है, इसमें 3 प्रकार के हमारे फ्लावर्स आते हैं। एक अच्छा। तो हमारा जो पिंक है वो आता है, और एक ये जो ये अलग से टहनी आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको ग्राफ्टिंग इसमें नजर आएगी ध्यान से देखेंगे तो, ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये रेड है और ये बहुत ही खूबसूरत आता है। और ये फ्लावर्स इसमें एक ही टहनी के अंदर 50-60 फ्लावर्स आते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग आप ही नहीं करी है सर? जी मैंने की है, ये ग्राफ्टिंग वगैरह सब मैं ही करता हूँ। ग्राफ्टिंग करके मैंने और भी अडेनियम अभी मैं आपको दिखाऊंगा, तो करीब करीब मेरे ग्राफ्टिंग 25-30 ग्राफ्टिंग मेरे किए हुए हैं, और मेरे पास अब बाकी 40 हैं, तो 40 में से लगभग मेरे 25-30 मेरे सारे ग्राफ्टिंग वाले ही हैं। और अलग अलग कलर मैंने लिए हुए, कहीं से कोई मेरे को कलर मिल जाता तो वो मैं लेता हूँ। तो फ्लावरिंग प्लांट देखिए फ्रेंड आपके सामने, तो ये मेरी गुलदावदी है, हर एक जो पौधा है बहुत ही बुशी है, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और जैसे कि सर ने बताया कि पिछले 20 साल से भी इनके पास प्लांट रेगुलर है। मैं 20 साल से गार्डनिंग कर रहा हूं, तो अब इनकी गुलदावदी कैसे करनी है, क्या करना है, इन सब की पूरी नॉलेज है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये हमारी, कोई भी प्लांट बाय नहीं किया गया है, जो स्टार्टिंग में था सर के पास 20 साल पहले वही चल रहे हैं, वही चल रहे हैं। हाँ, वेरी नाइस। तो देख सकते हैं फ्रेंड कितने बुशी हैं सारे के सारे, और फ्लावर तो अपने आप में ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो फ्लावरिंग प्लांट लवर्स हैं उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। तो कुछ हमारे पास ये देखिए ये भी हैं, गेंदा वगैरह भी हम लगाते हैं, कुछ हाइब्रिड गेंदाज भी लगा लेते हैं हम, कटिंग से भी मैं इनको ग्रो करता हूँ। आप पीछे देखेंगे तो ये सब हमने इन्हीं की कटिंग से, ये देखिए ये कटिंग से ही मेरे ये ग्रो किए हुए हैं, अभी स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए जैसे ही मेरी गुलदावदी ख़त्म होगी तो मैं इनको चेंज कर दूंगा, इनको उसमें शिफ्ट कर दूंगा। फिर ये सारे हमारे ये थोड़ा सा हम ये 10-10 रुपये की ये चीज़ें हम इतना ग्रो नहीं कर पाते, तो ये 10-10 रुपये की नर्सरी से ले आते हैं। तो ये हमारे इंटर करते ही जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ता है ये हमारा है, और दूसरा इंटर करते ही जो हमारा राइट हैंड साइड पर पड़ता है वो इस प्रकार से हमने गुलदावदी रखी हुई है। यहाँ पर भी हमने गुलदावदी रखी हुई, देखिए ये हमारी पूरी है, ये बड़े गमले के अंदर है, ये छोटे में है, अभी कुछ खिल रही है कुछ के अंदर, देखिए कितना सुंदर ये लेट खिलता है मेरा गुलदावदी। काफ़ी टाइम से मैंने देखा है इसका, ये खिलता ही मेरा जनवरी के अंदर है या दिसंबर एंड में है, और फरवरी तक रहता है ये ज़्यादातर गुलदावदी, तो अब जनवरी में लगभग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये गुलदावदी बहुत ही ब्यूटीफुल है। पीछे की तरफ भी मैं देख रहा हूँ वहाँ भी काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, वहाँ पर भी हैं, वो मेरा मेन गुलदावदी का है, और वहाँ आप देखेंगे मेरे पास बहुत बड़े बड़े जो गुलदावदी होती है तो वो भी लगी हुई है। देखिए पीछे वो येलो है, इनको संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, इनके लिए मेरे को बड़ी केयर करनी पड़ती है गर्मियों में बचाने के लिए, ये वाले ऐसे प्लांट्स को।
कई कई बार इनके मैं 8-8, 10-10 प्लांट के छोटे छोटे बनाता हूँ, फिर भी उसके बाद भी ये 3-4 से ज़्यादा मेरे बसते नहीं हैं, क्योंकि बरसात बहुत होती है या फिर गर्मी होती है, सहन नहीं कर पाते हैं। आप ये देखिए कितना सुंदर कलर, ब्राइट कलर है ये, बहुत ही सुंदर है। तो संदीप जी, इनकी केयरिंग के लिए मैं, हम ज़्यादातर इसमें जो लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं वो सरसों की खली का हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं लिक्विड, और मैं दिखाऊंगा अभी, मैंने हमेशा वो मेरे पास बना हुआ ही रहता हुआ है। बाकी जो स्टार्टिंग में हम इसमें करते हैं गोबर की खाद और मिट्टी और थोड़ा सा रेत वगैरह मिला लेते हैं, और उसका उसका जो अगर हमारा सॉइल मिक्स बन जाता है तो उसके बाद हमारा बहुत अच्छे ये गुलदावदी खिलती है। मैं आपको एक दिखाऊँ अपना छोटा सा, आप देख के हैरान होंगे कि इतने से पॉलीथीन के अंदर इतने सारे हमारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, ये देखिए। वाओ, ये अमेजन से एक थैली आई हुई थी, अब ये साइड से फट रहा है इसलिए मैंने इसमें डाला हुआ है, ये देखिए। अच्छा। कितना खूबसूरत इसमें खिला हुआ है। तो इसमें सारा कमाल ये मिट्टी का है हमारा, जो मिट्टी अगर हमारी अच्छी होती है तो ऑफकोर्स हमारे फ्लावर्स वगैरह कुछ नहीं ज़्यादा हमें मेंटेनेंस मांगते। बाकी जो यहाँ इसमें केयरिंग इतना ध्यान रखना पड़ता है कि पानी हमारा ओवर वाटरिंग ना हो। आप देखेंगे हमने कई बार ग्रो बैग में भी ये चीज़ें लगा रखी हैं, तो इसमें क्या है कि पानी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से रखना पड़ता है। जिस पर ये देखिए, जैसे मैंने ये इस प्रकार से ग्रो बैग में रखा है, तो इसमें मेरे अभी पानी मॉइस्चर पूरा लेवल, जब हम पानी इसमें डालेंगे तो ये प्लांट्स मर जाएगा। अच्छा। इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो वाटरिंग्स उसके मतलब कम होगा तो चल जाएंगे, वो थोड़ा सा अपने पत्ते डाउन कर लेंगे, 2-3 दिन भी सह लेंगे, लेकिन ओवर वाटरिंग हो गई तो फिर उनको बचाना बहुत मुश्किल होता है, उनकी रूट से उनका गलन स्टार्ट हो जाती है। ये प्लांट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। गुलदाउदी में बाकी कीड़े बहुत कम लगते हैं, हालांकि हम लोग नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं और उसका स्प्रे में स्टार्टिंग में कर लेता हूँ लगातार। ऑर्गेनिक ही हमारा रूप, हमारा बिल्कुल सारा चीज़ ऑर्गेनिक पर है। मेरी जो अपने घर की खाद यूज़ होती है इसके अंदर ही, किचन वेस्ट वगैरह सारा यूज़ करते हैं हम अपना, जो प्लांट्स की इसमें होती है हमारी, जो सब पत्ते वगैरह जो सारे फ्लावर्स हैं ये सारे हमारे सब हमारे अभी खाद में ही यूज़ होते हैं। संदीप जी, ये वाला देखिए आप, ये लगभग काफ़ी दिनों से मेरा खिल रहा है, अब तो थोड़ा सा डाउन हो चुका है। कितने बड़े बड़े फ्लावर्स इसमें आए थे, इसमें एक में बहुत बीच में बड़ा फ्लावर था वो तो पूरा ख़त्म हो चुका है, अभी इसके साइड से छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं, तो ये हाइब्रिड टाइप का है। इस प्रकार के फ्लावर अगर आप चाहते हैं तो स्पेशली आपको पहले तो नर्सरी से इसे ढूंढना पड़ेगा, जो बहुत कम मिलता है। अगर आपको मिल जाए उसके बाद इसको बाद में संभाल के रखिए, इसके नीचे से छोटी छोटी जड़ें आ जाएंगी। यहाँ से आपको ये मार्च अप्रैल में ही इनको तैयार करना होता है, इनकी कटिंग लगानी होती है, रेत के अंदर ही कटिंग लगाते हुए इनके छोटे छोटे 8-10 प्लांट लगा के बड़े पेड़ों के साथ इनको संभाल के रख ले, क्योंकि ये प्लांट हमारा बहुत कम बच पाता है, बहुत कम लोगों का ये बच पाता है। मैं लोगों को देता हूँ, बहुत लोग मेंटेन ही नहीं कर पाते, और इसके अंदर हमारे को काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज भी इसको बहुत अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसका फ्लावरिंग साइज़ भी अच्छा आया है और फ्लावर्स भी इसमें खूब खिलते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र हमारा मांगता है। बाकी इसमें ज़्यादा और कुछ केयर की आवश्यकता ही नहीं है, आप थोड़ा सा भी वैसे भी थोड़ा सा ध्यान लगाते हुए इनको लगा देंगे गुलदाउदी को, तो ये आराम से इजीली हो जाती हैं। सबसे इजी ग्रोइंग प्लांट है गुलदाउदी। बाकी दूसरे प्लांट हैं डहलियाज वगैरह हैं, वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं करने में, हालांकि इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ वो तो भी थोड़ा सा मेहनत मांगते हैं। गुलदाउदी तो बहुत ईजिली ग्रो हो जाती है, इनकी कटिंग ही लगती है, कभी भी इनके सीड्स पर मत जाइए, फ्लावर्स का साइज छोटा हो जाएगा। और कोशिश करें गुलदाउदी के लिए, मैं सभी व्यूअर्स को एक टिप्स देना चाहूँगा कि जब भी आप गुलदाउदी लगाते हैं तो उस प्लांट को नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के ज़रूर रखें, लेकिन उससे फ्लावर्स ना लें, उसके जो फ्लावर आएंगे वो साइज छोटा होगा उसका, उससे जो कटिंग बनती है उसका। तो मैं इसका ना एग्जांपल भी आपको दिखा सकता हूँ, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, ये मेरा एक फ्लावर है, और इसको जिस प्लांट से मैंने तैयार किया हुआ है संदीप जी, वो ये है, देखिए ये इसका मदर है। इस बारी मैंने इसको छोड़ दिया था, ये मदर प्लांट है, इसके फ्लावर आप देखिए, इनका साइज देखिए, इनका कलर साइज मुझे कुछ छोटा लग रहा है, छोटा है आपके हाथ में इसका बड़ा। हाँ, ये तो ये भी अब बिल्कुल अभी छोटा गमला है, और अगर ऐसे दूसरे देखेंगे वो सामने देखेंगे, हाँ जी, तो ये सारे इसी से ग्रो हुए पड़े, ये सब इसी से कटिंग, तो इसी इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा कि गुलदाउदी को हमेशा कटिंग से ही लगाएं। ये देखिए हमने बोतल के अंदर ये लगा रखी है, और कितनी घनी गुलदाउदी हमारी खिली हुई है, देखिए सिर्फ बोतल के अंदर है। अभी ये ऐसा भी नहीं कि नीचे से इसमें कहीं कुछ और हो रखा है, ये थोड़ा सा टहनी हमारी टूट गई है, टहनी भी इनकी बड़ी सपोर्ट देनी पड़ती है, अगर इस प्रकार से टूट भी जाती है हम क्या करते हैं इसको ऐसे टूटते हुए किसी भी जगह में लगा लूँगा तो ये अपनी अभी आराम से चल जाएगा। ये देखिए कितना खूबसूरत है, और बिल्कुल लाइट वेटेड है, क्योंकि हमारी मिट्टी ही इतनी हल्की बनाते हैं हम अपने छत के लिए मैनेज करने के लिए, तो ये हमारे पॉट बहुत लाइट वेटेड बनते हैं। आप देख रहे हैं, अगर आपके पास स्पेस नहीं है, ज़्यादा गमले नहीं है, तो आपके जो घर में जो कैंपा की लिमका की जो बोतलें आती हैं उनको इस टाइप से आप कर सकते हैं। अगर आप पेंट करना चाहें तो पेंट करके भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है,
मैंने कुछ पेंट की हुई है, कुछ नहीं की हुई, जो ये टूट जाती है संदीप जी, इनको मैं साइड से ऐसे कहीं पर भी लगा देता हूँ। ये आप बीच में देख रहे हैं, ये मेरी सब टूटी हुई टहनियाँ हैं जो बंदर वगैरह तोड़ देते हैं या कहीं किसी के आने से, तो ये अब मेरा ये और खूबसूरत बन जाता है। देखिए ये हमारा ये कल फ्लावर पार्टी भी थी, किसी से टूट गया तो मैंने ये देखिए यहाँ से इसको ऐसे लगा दिया है, तो ये भी अब यहाँ पर खूबसूरत चल रहा है और ये अभी चलेगा 15 से 20 दिन, अभी मेरा ये आराम से चल जाएगा, तो इनको फेंकना नहीं होता हमें। तो इस प्रकार से आप फ्लावर्स को मैनेज कर सकते हैं। गुलदाउदी के अलावा आप देखेंगे तो अब मेरा जो आने वाला सीज़न है वो है डहलिया का। ये देखिए ये डहलिया भी मेरे खुद अपने घर के हैं, सारे प्लांट्स तैयार किए हुए। ये देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और ये मैं आपको और एक दो प्लांट दिखाता हूँ अपने, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको डहलिया में क्या करना है। जितने भी हमारे व्यूअर्स अगर इस प्रकार से डहलिया लगाना चाहते हैं तो देखिए मेरे डहलिया के अलग अलग अभी रखे हुए हैं, और जब ये अपने आप जब खिलना स्टार्ट होंगे तो ये पूरे गार्डन को भर देते हैं और बड़े बड़े फ्लावर्स हमारे इसमें आते हैं। इसमें भी हम बेसिकली गोबर की खाद का यूज़ करते हैं अभी, और सरसों की खली का प्रयोग करते हैं और नीम की खली का थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे। तो उसके बाद इसको हमें कुछ नहीं करना होता, हर 15 दिन के अंदर हमें इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम यूज़ करते हैं सरसों की खली का बनाया हुआ, और साथ में उसके हर दूसरे तीसरे दिन इसमें हल्की सी गुड़ाई कर देते हैं। बस इसको छोड़ दीजिए और इसमें देखिए आप कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। हाँ, इसमें यह है कि हम बोन मील जरूर डालते हैं, क्योंकि डेलिया जो है फॉस्फोरस लविंग प्लांट है, इसको फॉस्फोरस चाहिए होता है। मैंने जो गुलदाउदी है इसके अंदर कोई बोन मील नहीं डाला हुआ, कुछ नहीं डाला हुआ है, सिर्फ हम गोबर की खाद डालते हैं। लेकिन डेलिया के अंदर अगर आप फॉस्फोरस में के लिए बोन मील डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते हैं, मतलब ये थोड़ा सा जो वेजिटेरियन जिनको थोड़ा सा इससे वो है, तो वो लोग उसके बदले रॉक फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं। आजकल रॉक फॉस्फेट मार्केट में आराम से मिल जाता है। तो मैं अपने डहलियास के अंदर देख रहे हैं, आप देखेंगे मेरे ये देखिए कितने सुंदर इसके पत्ते हैं और कितने अच्छी स्टैंप है डहलिया की। आपका जो स्टैंप है वो आपके डहलिया के बता देता है कि आपके इसमें फ्लावर्स कैसे आने वाला है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है खिलना, और जब ये काफ़ी बड़ा आएगा तो लगभग इसका जो साइज़ होगा वो 6-7 इंची से 8-9 इंची तक मेरा इसका फ्लावर का साइज जाएगा, आप देखिए। और ये जब सीजन में अभी खिलना खिलेगा फरवरी के अंदर, तो इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, एक ही पेड़ के अंदर 20-25 मेरे फ्लावर आएंगे और वाइट से ये पूरा भर जाता है। सर आपके मैंने काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट्स देख लिए हैं, लेकिन साथ ही मैं देख रहा हूँ कुछ रोजेस के प्लांट भी आपने लगाए हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को आप बताइए। हाँ संदीप जी, कुछ रोजेस भी मैंने लगा रखे हैं, हालांकि मैंने रोजेस ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। स्पेस अगर ये थोड़ा सा मैंने रोजेस के साथ एक साथ देखा, जैसे आप मेरा ये देख रहे हैं, तो थोड़ा सा आपस में मिल से गए, इनको खुली जगह चाहिए। जितनी खुली जगह आप रोजेस को देंगे उतने अच्छे ये होते हैं, और इसके लिए पानी भी आपका जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। रोजेस बहुत ज़्यादा आपसे मेंटेनेंस मांगते हैं मेरे, अभी तो बहुत अच्छे रोजेस खिलने वाले हैं। अभी इसका फर्स्ट लॉट हो चुका है, अभी ये सेकेंड प्लस आएगा फरवरी के अंदर ही, जनवरी एंड। अभी तो ठंड के कारण थोड़ा सा रोजेस हमारे डाउन हो रखे हैं, अब जैसे ही जनवरी 20-25 तारीख आएगी उसके बाद हमारे रोजेस बहुत खूबसूरत आएंगे। देखिए आप पीछे देखिए, एक मेरा ये रोज़ खिला हुआ देखिए, और ऊपर से 3-4 बर्ड उसके अंदर आई हुई है, ये देखिए बहुत सुंदर है। ये हमारी येलो की थी जो अब हमारी लगभग सूख गई है। येलो में जब से आपको ये फ्लावर आपका हो जाता है, इसको आपको लगभग यहाँ से ऐसे तोड़ देना है, नहीं तो ये क्या होता है कि पेड़ की एनर्जी को लेता रहता है। ये देखिए इस प्रकार से, अब यहाँ से देखेंगे आप नीचे, तो इसको कम से कम 2-3 पत्तियों से आप ऐसे नीचे तोड़ दें या किसी चीज़ से काट दें, तो इसकी नई नई ग्रोथें होती रहती हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये हमें करना होता है, उसका साइज़ और ये जो चमक है ये सिर्फ फर्टिलाइजर्स की वजह से है, और रोजेस के बिना तो गार्डन किसी का भी अधूरा होता है, ये तो आप भी मानेंगे बिल्कुल, क्योंकि जब ये खिलते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू के साथ साथ आपके मन को भी हल लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने वेजिटेबल्स में क्या क्या लगा रखा है, तो आप मेरी वेजिटेबल्स भी इस इनके पीछे से ही स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो मेरा ये बड़ा गमला देखिए, और इसमें एक मैंने प्लांट लगा रखा है, ये वाला मोरिंगा का प्लांट है, ये बहुत ही लाभदायक प्लांट है। ये पहले बड़ा था हमारे पास, अब वो ख़त्म हो गया है, टूट पड़ा, अब मैंने दूसरा लगाया है और उसके काफ़ी बड़े गमले में हमने लगाया हुआ है, देख रहे हैं आप। ये देखिए हमारी मूली है, बड़े गमले में मैंने वैसी लगा रखी थी, थोड़ा सा लेट हुई है, मैं भी आपको मूली दिखाऊंगा इसकी, आप देख रहे हैं, देखिए साइज़ देखिए कितना बड़ा बड़ा आ रखा है, बहुत अभी निकाल के भी दिखाऊंगा दूसरी जगह से। ये मैंने अभी ब्रोकली और साथ में ये हमारा लेटस है, इसको सलाद पत्ता बीज में वैसे लगा रखा है, ये सलाद पत्ता मैंने खुद ही बीज से ग्रो किया हुआ है। तो बीच बीच में हमने अपने छोटे छोटे फ्लावर्स के ये भी रखे हुए हैं, ये शायद स्पेस की कमी हो जाती है या कुछ है, इस प्रकार से बीच में ऐसे ही रख दिया है। ये हमारे गांव की एक स्पेशल है, उत्तराखंड से हैं तो वहाँ पर एक लाई करके बोलते हैं, इसके बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है, और हरा पत्ता तो खा लो तो वैसे ही लाभदायक होता है।
तो इनकी लीव्स की सब्जी बनती है, लीव की सब्जी बनती है। अच्छा। सरसों के तेल में शायद मैडम ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगी। हाँ जी मैम बताइए। जैसे मूली के पत्ते की हम भुजिया बनाते हैं ना, उसे काट के सीधा तेल में छौंक लगा के सूखी सब्जी इसकी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा। और वैसे हम इसको चावल के साथ भी खाते हैं, इसको हम पानी डाल के उसमें चावल का आटा मिला के उस टाइप से बनाते हैं, तो उसको भी हम चावल के साथ खाते हैं। पौष्टिक होता है बेसिकली बहुत ज्यादा। ये हमारी मूली है, ये देखिए आप, और साथ में ये हमारी मूली है लाल वाली, अभी ये ग्रो अभी हो रही है, अभी मैं आपको लाल मूली निकाल के भी दिखाऊंगा। देखेंगे तो ये देखिए कितनी खूबसूरत है, देखिए बहुत ही सुंदर है। अभी आप इसको खाना बाद में ये हमने प्याज लगा रखा है इसमें, एक हमारा गमला था इसमें हमारी बीन्स वगैरह थी, दूसरी चीजें थी खत्म हो गई थी, तो लास्ट में अभी मैंने हरा प्याज लगा दिया। इसकी एक सब्जी अभी हमारी थोड़े दिनों में तैयार हो जाएगी, थोड़ा इधर है थोड़ा दूसरी जगह है, इस प्रकार से हो जाती है। अगेन फिर हमारी ये लाल मूली है, देखिए इस बारी मैंने लाल मूली काफी, क्योंकि मूली के अंदर अगर आप जितना कलर वेरिएशन ला सकते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये सभी जानते हैं। ये हमारे बैगन है, ये देखिए अभी ठंड है तो बैगनों की थोड़ा संख्या कम हो रखी है, साइज भी ज़्यादा अच्छा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जब ये सीजन आता है तो हमारे बैगन इतने हो जाते हैं कि हम खुद नहीं खा पाते हैं। हमारे पास वाइट बैगन है, ये बैगन है, हरे बैगन है, गोल वाले बैगन है, ये देखिए ये सेम है, सेम की फली जो ऊपर हमारी ये बेल, बीमार सी बेल दिख रही है आपको, इसमें देखिए दो तीन सब्जियाँ तो हम ऑलरेडी इसमें एक एक किलो की तोड़ के खा चुके हैं। ये देखिए पीछे भी यहाँ भी हैं सब, ये नज़र आ रही है, इनको छांटना पड़ता है। हमारे वहाँ बंदर महाराज आते हैं वो भी इनको खा जाते हैं, सबसे मज़े की बात है वो भी इसको आधा खा के आधा फेंक जाते हैं। ये देखिए गुच्छों में आती हैं ये, और कुछ हमने अपने ऑर्गेनिक्स के लिए ये हल्दी लगा रखी है, हल्दी भी और भी लगा रखी है। ये देखिए यहाँ पर हल्दी के लिए टिप्स है कि इसको थोड़ा छाया में हम रख देते हैं और थोड़ा पानी कम डालेंगे तो हल्दी हमारी बहुत अच्छी ग्रो होगी, लेकिन इसकी मिट्टी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं भुरभुरी, भुरभुरी मिट्टी इसकी होनी चाहिए। ये देखिए ये सफ़ेद मूली है लंबी वाली, ये देखिए कि ग्रोथ बहुत अच्छी है सर वेजिटेबल्स की। हाँ वेजिटेबल्स, ये हमारा चाइना ऑरेंज है, देखिए फ्रेंड्स फ्रूट देखिए कितने सारे हैं। ये मैंने एक नीम का पेड़ लगा रखा है जिसमें हमारी ये पूरी बेल लिपट गई है, अब इसकी छपा जब आप देख रहे हैं पीछे भी देखिए वहाँ तोड़ने में भी मेरा हाथ बड़ी मुश्किल से जाएगा, अब इसकी बस नेक्स्ट 8-10 दिन में हम इसको सब साफ करेंगे। फिर ये हमारा नीम का पेड़ मैंने वैसे ही लगा रखा है, और ये सामने भी एक हमारा चाइना ऑरेंज का देखिए कितना खूबसूरत लगा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये सम्मी का पेड़ है एक पीछे जो हमने रखा हुआ है, ये थोड़ा सा धार्मिक उससे इसका महत्व हो जाता है, ये अगेन फलियाँ निकल लग रही हैं, बस अभी ये थोड़े से दिन की हैं, इसके सब बहुत ख़राब हो रही है। ये अगेन हमारी वही हरी सब्जी है जो हम लाई बता रहे थे, जगह जगह है। ये हमारी गोभी है, अभी ये गोभी लगने वाली है, इसी में मैंने बीज बो के कर रखा था, इससे कुछ प्लांट शिफ्ट कर दिए, कुछ इसी में रह गए अब छोड़ दिया है, लेकिन इसमें अभी गोभी बनेगी हमारी। ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ऐसी मूली आपने शायद ही देखी हो, ये शायद हमारे व्यूवर्स ने भी बहुत कम लोगों ने देखी होगी, और ये देखिए क्या साइज है इसका कितना, और ये शलगम है ना सर? नहीं मूली है, ये मूली है, हाँ ये पहाड़ी मूली होती है। अच्छा। अल्मोड़े साइड में आप जाएंगे तो आपको इस टाइप की वहाँ पर मूली मिलेगी, ये हम इससे बड़ी बड़ी खा चुके हैं। अच्छा, ये देखिए और अंदर से इसका मूली जैसा पूरा टेस्ट आता है, और बहुत अच्छी इसकी सब्जी बनती है, सब्जी के साथ आप खाओ, सलाद के साथ खाओ, देखिए इस प्रकार की मूली हमारे ये होती है, उत्तराखंड का है ना ये, उत्तराखंड की मूली है। इसके बीज वगैरह अगर हमारे व्यूअर्स को चाहिए हो तो वो हमारे से बाद में मांग सकते हैं, हम इसके बीज भी रखते हैं। ये हमारा लेटस है, लेटस इसके जहाँ जहाँ निकल रही है हमने मूली वहाँ वहाँ अब हम इसको लेटस लगाते जा रहे हैं, जैसे अभी मैंने ये जगह खाली कर दी है। हाँ जी, तो एक दो दिन में यहाँ पर मैं अब लेटस के पेड़ है, प्लांट है मेरे पास, वो लगा दूंगा। इसी प्रकार से हम अपनी गार्डनिंग को मैनेज करते हैं, क्योंकि छत पर गार्डनिंग इतनी आसान नहीं होती है। हाँ जी, ये हमारा पहाड़ी पालक है, जो पालक हम खाते हैं उससे थोड़ा सा दूसरा है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है ये भी। तो अभी इसे आपने लगाया? अभी लगाया है, ये आज ही हमने लगाया है। ये हमारा देसी पालक इसके अंदर लगा रखा है हमने, पालक भी और है। ये हमारा लहसुन है, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में सर ने सब्जियां भी लगाई हैं। हाँ, तो ज़्यादातर सर बाहर से तो लेना नहीं होता होगा, फिर यहीं से नहीं, काफ़ी सब्जी हमारी मिल जाती है, हरी सब्जी तो हमें खास तौर पर हो जाती है। आप मिर्च के देख रहे हैं, मिर्च के हमारे प्लांट सूख चुके हैं। हाँ, मिर्च हमारी बहुत होती है, ये छोटी वाली गोल मिर्च है, बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज, एक सब्जी में एक मिर्च डाल दो आप, बहुत तेज है, खाई नहीं जाती है। और भी गर्मियों में तो हम घिया, तोरी, भिंडी, हम कुछ नहीं लेके आते मार्केट से। अच्छा, सब तो मतलब मैक्सिमम यही से होता है, घिया और सीताफल। सबसे अच्छी बात यह है कि सर ऑर्गेनिक है, बस ये है कि ऑर्गेनिक है, पैसे का मोह नहीं है, भगवान की दया से पैसे की कोई कमी नहीं है संदीप जी, लेकिन बस ऑर्गेनिक का हमें है। ये आप देख रहे हैं टमाटर, और अपने हाथों से जब पौधा लगा और उसके बाद ये छोटे छोटे फ्रूट्स मिलते हैं तो उसकी खुशी भी अलग होती है। मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक टिप देना चाहूंगा सब्जी के बारे में, कि सब्जी का मैनेजमेंट करने में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका टाइम कौन सा है। जैसे दिल्ली
अंदर कौन सा टाइम है, दूसरे शहर में अंदर कौन सा टाइम है, हम लगा तो लेते हैं, हमें नहीं पता होता कि अब इस टाइम पर अगर मैंने तोरी लगा दी तो अब इस टाइम पर तोरी होगी नहीं, पहले तो उसका बीज ही नहीं ग्रो पाएगा। तो उसका राइट टाइम आपको पता होना चाहिए और सही टाइम पर आप लगाएंगे और सही आपको फिर उसका रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने लेट लगाया ये करा फिर आपको उसी हिसाब से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स भी उतने अच्छे हमें मिलते नहीं है। बिल्कुल। इसलिए आप अगर गार्डनिंग सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले किसी भी उसकी जानकारी में ये देखिए कि आपको उसका राइट टाइम क्या है, आपके वहाँ का मौसम कैसा है, उसके लिए कैसा टेम्परेचर आपको चाहिए। गर्मी में है तो गर्मी में आपको कौन सी वेजिटेबल्स लगनी है, सर्दी में आपकी कौन सी वेजिटेबल लगनी है। अब जैसे गर्मी आएंगी फरवरी मार्च के अंदर, हम थोड़ा सा घिया लगाएंगे, करेले भी लगाएंगे, लेकिन लग जाते हैं उसका दूसरा वाला होता है। लेकिन जो मेन घिया सब्जी अगर हमारी आती है वो जुलाई अगस्त के अंदर ही आती है। हमारा मेनली अब भिंडी चलेगी आगे, जैसे सीजन आएगा तो भिंडी की तैयारी आगे हमें फरवरी में करनी होगी। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, ये देखिए हरी मिर्च है, ये गोल मिर्च है, राउंड मिर्च जो अभी मैंने दिखाया ये छोटी वाली है, ये भी बहुत तेज़ होती है, छोटी छोटी लाल इस पैक का कलर चेंज करती है ये। अभी ये ऐसी ब्लैक है, फिर रेड हो जाएगी, पूरी रेडिश हो जाएगी, तो फिर इसको हम वैसे भी खा लेते हैं और हम इसको पिसवा भी लेते हैं। हमारी हरी मिर्च हमारी छत से पूरी हो जाती है क्योंकि अब सर्दियां हैं, इसके पत्ते झड़ गए हैं। ये देखिए इसको ऐसे ही हमने काट के रख दिया है, लगभग इसमें फरवरी के बाद इसमें हम थोड़ा सा नीचे खाद डालेंगे और फिर इसके बाद मार्च अप्रैल में फिर से इसमें मिर्ची आनी हमारी शुरू हो जाएंगी, जो मई जून में थोड़ा बंद हो जाती है क्योंकि तब ज़्यादा गर्मी होती है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा इसकी हालत इस समय आप देख रहे हैं बड़ी ख़राब सी हो रही है, दिखाने लायक नहीं है, लेकिन ये हमारा बैगन है, वाइट बैगन, और इतने बैगन आते हैं इसमें, इतने बैगन आते हैं, आप देखिए छोटा सा है क्योंकि मौसम की मार ऐसी है कि बढ़ नहीं पा रहा है। लंबे वाला है ना? लंबे वाला है, लंबे वाला है, इतने बैगन आते हैं कि हम खुद भी नहीं खा पाते। अच्छा। दोस्तों को, दूसरों लोगों को हम इसको शेयर करते रहते हैं। इतना ओल्ड प्लांट है सर ये? ये अब ये तो 1.5 साल का ही आसपास में है, लेकिन ये 3-4 साल हमारे रहेगा। अब मैंने इसकी अभी कटिंग करी नहीं है क्योंकि इस बारी दिल्ली में उतनी ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ रही है, अभी ठंड के कारण ये देख रहे हैं इसकी ये हालत ऐसी हो जाती है, ये स्वाभाविक है, ये होगा होगा। बिल्कुल। तो बस यही ऐसे ही हमें इनको मैनेज करना होता है। ये मेथी है हमारी, ये देखिए मैं आपको एक मूली और दिखाऊँ अपनी लंबी वाली, ये देखिए इसमें से हम मूली खा चुके हैं। आपको हमारे पास जो भी साइज मिलेगा, देखिए कितनी जबरदस्त साइज है ये देखिए। अच्छा, लंबी लंबी में थी और ये लंबी वाली, ये लंबी वाली और दूसरी वाली जो पतली वाली थी वो अलग से थी, आपने देखा। हाँ जी हाँ जी। तो इस प्रकार से मूलियाँ हमारी देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत हो जाती है। सब मिट्टी का कमाल है, हमारी खाद का कमाल है। ये हमारी ब्रोकली है, पीछे भी मैंने ब्रोकली लगा रखी है, देखिए ब्रोकली का मेरे को बहुत शौक है और अपने घर की अगर 20-25 ब्रोकली हमें खाने के लिए मिल जाए तो मजे ही आ जाते हैं। ब्रोकली के पराठे भी होते हैं, ब्रोकली बहुत अच्छी सब्जी भी है और कॉस्टली भी है। देखिए हमने किस प्रकार से ब्रोकली को लगा रखा है, ये एक पानी की टंकी थी जो हमारी ख़राब हो गई थी, उसको अच्छा। काट के हमने दो हिस्सों में था, आधा हिस्सा हमारा ख़राब हो गया, इस आधे के अंदर हमारे 8-10 प्लांट हैं। अभी हमारे फरवरी या मार्च के अंदर हमारी इसमें ब्रोकली आ जाएंगी। ये अगेन हमारा गोभी है, गोभी के हैं आप देख रहे हैं इस तरफ की तैयारी से, ये लेट्यूस का है, ये अभी हमने ग्रो बैग नया लगाया, आधे में हमने पालक लगाया है, आधे में हमने ये देखिए सलाद पत्ता जो काफ़ी कॉस्टली मिलता है, सामने आप देखेंगे उस कोना भी हमने नहीं छोड़ा हुआ, वहाँ पर हमारी पालक देखिए कितनी खूबसूरत हो रही है, देख के ही आपको लग रहा है बहुत बढ़िया। पालक लगभग खा चुके हैं काफ़ी, अपनी 2-3 जगह से ख़त्म हो चुकी है, ये भी अब लास्ट इसकी हार्वेस्टिंग होनी है, तब तक हमारी दूसरी वाली शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से और मैं आपको ये दिखाऊँ, देखिए हमारी मूली ये भी देखिए कितनी घनी हो रही है, मूली हमने काफ़ी लगा रखी है, हमारे को मूली भी बाजार से लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और इसके पत्ते भी बहुत अच्छी बात है कि इसके पत्ते भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। ये हमारा टमाटर का पेड़ अगेन आप देखेंगे, इसकी हेल्थ आपको बताएगी कि ये टमाटर कितने अच्छे इसमें खूबसूरत आएगी। और नीचे देखिए हमने मैनेज करने के लिए कैंपेनियन गार्डनिंग के लिए उसमें हमने प्याज के पत्ते लगा रखे हैं क्योंकि जगह उसकी यूज़ हो जाती है। सर हमने आपके फ्लावरिंग प्लांट देख लिए, हमने आपके वेजिटेबल प्लांट देख लिए, स्टार्टिंग में हमने एडेनियम्स की बात करी थी, आपने बोलते आपके पास 50-60 एडेनियम्स के भी प्लांट है, लेकिन यहाँ पर मैं भी देख रहा हूँ कि 2 एडेनियम्स मुझे दिख रहे हैं, तो बाकी के प्लांट्स आपके कहाँ पर हैं? हाँ संदीप जी, मेरे ये 2 एडेनियम तो ऐसे हैं जिनको मेरे को आप देख रहे हैं मैंने इनको ढक रखा है और इनको मैंने बारिश वगैरह से ओस से बचा रखा है क्योंकि ये इतने बड़े हैं मैं इनको हिला भी नहीं पाता हूँ और इनको हिलाने की मुझे आवश्यकता भी नहीं पड़ती क्योंकि थोड़ा सा बड़े भी हो गए, थोड़ा सेफ रहते हैं। बाकी जो छोटे छोटे प्लांट्स थे मैं आपको मैंने 3-4 जगह अलग अलग जगह पर रख दी है, मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। जो देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए मैंने टब में निकाल के रखे हैं, हालांकि एडेनियम खराब नहीं है मेरे ये देखिए, लेकिन मैंने अभी इनको लटकाना है, ये आज का काम मेरा था, अभी मैं आपके साथ वीडियो वगैरह कर रहा हूँ, बाद में इसको मैं सब आज लटकाऊंगा ऐसे। अच्छा। और अभी इसकी जो मिट्टी है इसको अच्छी तरह से झाड़ के इनको एक पानी के अंदर हम जो है एंटी फंगस पानी के अंदर इसको अच्छी तरह से धो के इन सब एडेनियम्स को हम लटका देते हैं। तो कुछ एडेनियम्स मैंने इस प्रकार से निकाल दिए हैं देखिए, और कुछ यहाँ अभी मेरे साइड में जहाँ जहाँ जगह मिली है मैंने इनको सेव कर दिया, ये थोड़ा सा छप्पर सा है हमारा तो इस प्रकार से है।
मैंने रखे हुए हैं। सामने आप देखेंगे तो वहाँ पे मेरे अडेनियम है, देखिए अब देखिए ये देखिए व्हाइट खिल रहा है, लेकिन ये फूल बेचारा खिल नहीं पा रहा है क्योंकि ठंड इतनी है। आप देख रहे हैं गुच्छे में फ्लावर्स आ रहे हैं। मेरी फ्लावरिंग अभी दिसंबर तक बहुत सुंदर हो रही थी, लेकिन अब क्या है कि ठंड हो रही है तो फ्लावर बन ही नहीं पा रहे हैं। ये देखिए इनकी कितना सुंदर है, ये देखिए कोडेक्स इसका और कितना अच्छा अडेनियम है। देखिए अडेनियम जो है ये हमारी बोनसाई की कमी को पूरा कर देता है, और जो फ्लावर्स इसके अंदर आते हैं ना वो रोज़ जैसे बड़े सुंदर फ्लावर्स होते हैं। इसके सीड्स भी हमारे पास बहुत अवेलेबल होते हैं, और कई लोगों को हमने अपने सीड्स भी फ्री गिफ्ट किए हैं। हमारा एक रूफटॉप ऑर्गेनिक्स करके चैनल है, तो हमने उस चैनल के थ्रू मैडम जो उसको चलाती हैं, अच्छा, तो ये सब बताती भी है, छोटे मोटे गार्डनिंग के टिप्स भी हम उसमें देते हैं, वहाँ पे शेयर करते रहते हैं वहाँ पर शेयर। तो फ्रेंड्स मैं मैम के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो अभी सर कुछ और भी अडेनियम्स के प्लांट? हाँ और भी है, मैं और आपको दिखाइए। आइए, आपने जब इंटर किया होगा आपने देखे होंगे कि मेरे वहाँ सीढ़ियों पर भी मैंने अडेनियम देखे रखे हैं। पे भी काफी प्लांट्स हैं, तो आप दिखा सकते हैं कि ये इसलिए रखे हुए हैं जिससे कि ये बारिश वगैरह हो, क्योंकि मैं पहले इनको भुगत चुका हूँ, मेरे काफी अडेनियम खराब हो गए थे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हाइब्रिड है, सब अच्छे अच्छे कलर्स हैं, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। मैं इस अडेनियम के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। जनरली लोग कहते हैं कि कटिंग के थ्रू, ये मेरा कटिंग के थ्रू लगा हुआ है, और देखिए अच्छा। इसका कट कोडेक्स भी देखिए कितना सुंदर है। अब थोड़ा सा हल्का हल्का ये क्यों हो रहा है पिलपिला, ये देखेंगे आप, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें पानी मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। हल्का सा साफ पानी मैं इसमें थोड़ा सा बीच में भी डाल दूंगा, अदरवाइज आपको क्या करना है, हमेशा अपने हर 15-20 दिन बाद अपने अडेनियम को इस प्रकार से टच करते रहना, ये टाइट होना चाहिए बिल्कुल। जैसे ये हल्का हो जाए, दो चीजें हो सकती है, अगर गीला है तो इसलिए हो गया होगा क्योंकि इसके अंदर फंगस आ गया, आपको निकालते ही चेक करना है अच्छा। और अदरवाइज अभी जैसे हो रहा है तो अभी ये वाटर मांग रहा है, अभी भी इसको मैं छोड़ दूंगा एक महीने तक तो ये मरेगा नहीं, कुछ अच्छा। नहीं होता। हम अडेनियम्स को निकाल के, जैसे आपने देखा भी, हम निकाल के डेढ़ डेढ़ महीने ऐसे ही रख देते हैं, हमारे अडेनियम बिल्कुल नहीं मरते। ठीक, तो हमने अपनी सीढ़ी का इस्तेमाल इस प्रकार से किया हुआ। देखिए सिर्फ ये हमारा लगभग जनवरी एंड तक है, फरवरी में हम इनको ले आएंगे, इनको रिपोर्ट करेंगे, इनकी मिट्टी दोबारा से बनाएंगे और सब चीज़ें इसमें खाद वगैरह डाल के, तो पूरा साल हमें ये अडेनियम फिर खुश रखते हैं। इतने सुंदर फ्लावर्स आते हैं कि हमें और दूसरे फ्लावर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इधर ये देखिए हमारा, ये हमारा इंडोर का है, हमारी जो नीचे गेट है सामने, और वहाँ से लेके यहाँ पर है। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं रख पाता हूँ क्योंकि बंदर आता है और इन प्लांट्स को काफ़ी खराब कर पाता है। उसको कुछ प्लांट तो उसको इतने पसंद होते हैं कि वो डेली उसको उठा के फेंक देता है, कुछ उसको नहीं पसंद है तो उनको नहीं छेड़ता है, लेकिन एक प्लांट है जिसके पीछे वो पड़ा रहता है, ये इसको तो उठा उठा के बार बार फेंकता रहता है वो। यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है बंदरों की। सर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप फर्टिलाइज़र और सॉइल्स वगैरह पे कैसे काम करते हैं, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि वो भी आप ही की तरह अपने घर पे गार्डनिंग कर पाएँ। संदीप जी, जैसे मैंने बताया, किसी भी प्लांट के लिए, या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वेजिटेबल प्लांट हो, या इवन फ्रूटिंग प्लांट हो, तीनों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी सॉइल होती है। सॉइल मिक्स हमारा कैसा होना चाहिए, सॉइल मिक्स अगर हमारा अच्छा नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको थोड़ा से फ्लावर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो रिजल्ट हम चाहते हैं, जैसे आपने देखा छोटी छोटी बोतलों में हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए था क्योंकि हमारी सॉइल बहुत अच्छी होती है जी। और सॉइल के साथ साथ जो हमारा सबसे ज़्यादा दूसरा जो होता है, इंसेक्ट। आप मेरे गार्डन में देखिए, आपको कहीं पर कुछ ऐसा मिला इंसेक्ट वगैरह कुछ मिला? बिल्कुल फ्रेश है सारे के सारे। हाँ, न मैं कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करता, और मैंने इनमें अगर केमिकल ही यूज़ कर लिया तो फिर मेरे को ये वेजिटेबल लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो मेरे को बाजार से ही लेने चाहिए। बिल्कुल। तो हम जो यूज़ करते हैं वो नीम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, और उससे अच्छा मैं अपने व्यूवर्स को बोलूँगा कि वो किचन वेस्ट बनाएं। किचन वेस्ट के बाद उसका जो पानी हम अपने स्प्रे करते हैं इनमें, उनसे हमारे पेड़ों की इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। ये हमारे व्यूअर्स शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमने खुद, मैंने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, पिछले काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ। जो हम किचन वेस्ट का अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसको, या फिर जो अपने घर में वर्मी कंपोस्ट का, ये संदीप जी मैं आपको अपने वर्मी कंपोस्ट का दिखाऊँ छोटा सा पहले। ये देखिए, ये मेरा वर्मी कंपोस्ट का है, मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल के दिखाऊँ आपको, ये मेरे वर्मी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा गोबर ला के डाल देता हूँ, या किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं तो इनको ये खा लेते हैं, साथ में थोड़ा सा गुड़ का पानी हम इसमें डाल देते हैं, गुड़ और हल्का सा बेसन इसमें डल जाता है, तो खूब अच्छी तरह से ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये खाद को हमारे बहुत बहुत ही बहुत सॉफ्ट बना देते हैं, और इससे मिट्टी भी हमारी बहुत अच्छी बनती है। वर्मी कंपोस्ट गोबर की जो शक्ति है उसको लगभग दुगना कर देता है, तो इसलिए अगर हम वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। देखिए, केवल सूखी पत्तियाँ हैं ये, और ये पत्तियों की खाद ये बहुत हल्की होती है, और मिट्टी जो हम अपने छत पर मैनेजमेंट करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट ये है, और ये गोल्ड लीप कहलाती है, हमारी गोल्ड कहलाता है ये, जो किचनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग करते हैं, इन सबको पता है कि ये हमारे लिए गोल्ड का काम करता है, जैसे गोल्ड होता है। और दूसरा मैं आपको संदीप जी एक पीछे दिखाऊँ, आइए,
थोड़ा सा अटपटी सी जगह है, आपको अजीब सी लगेगा, लेकिन ये देखिए हमने किस प्रकार से अपना मैनेज किया हुआ है, क्योंकि छत की सुंदरता भी हमें बनाए रखनी होती है। तो ये देखिए, ये है हमारा जो एक हमारी 500 लीटर की जो हमारी टैंकी ख़राब हो गई थी, उसके अंदर हमने अपना सारा किचन वेस्ट डाल रखा है, ये सारा, ये देखिए सब अभी इसके अंदर है। अभी इसमें हमें सूखे पत्ते ला के ऊपर से बनाना है, हम जो किचन वेस्ट बनाते हैं उसमें सूखे पत्ते और ये, और अब थोड़ा सा कई बार मिट्टी का भी यूज़ कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो और हम अच्छा अपना यूज़ करते हैं वो ये है, कोकोपीट हमने अब बंद कर दिया है, उसका रिजल्ट हमें उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। ये धान की भूसी है जो हम मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, तो हमारी मिट्टी हल्की भी हो जाती है और साथ में काफ़ी भुरभुरी भी होती है, और इसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि बाद में खाद बन जाता है। ये देखिए, ये हम यूज़ कर रहे हैं जो बकरी की खाद, में अपने गांव गया था वहाँ से एक दो कट्टे हमें मिल गए, तो बकरी की खाद भी हम यूज़ कर लेते हैं। ये गोबर की खाद है हमारी, और गोबर ये, हाँ मैं आपको बता दूँ कि ये गोबर की खाद के अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना किचन का वेस्ट मिला देता हूँ, तो इसकी शक्ति हमारी बढ़ जाती है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, हमारा किचन वेस्ट और साथ में गोबर की खाद, और ये बहुत अच्छी एक टेक्निक है जिसके द्वारा आप अपनी गोबर की खाद को बहुत शक्तिशाली बना सकते हो। और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हमारी ये भुरभुरी बिल्कुल बढ़िया सी बन रही है। तो इस प्रकार से हम अपने फर्टिलाइज़र करते हैं, और जो टिप्स मैंने बताई थी वो बहुत ही अच्छी है। सभी अगर मेरे गार्डनर व्यूअर्स अगर इसको उनको पसंद आए, करके देखिए कि जो आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं उसको क्या करना है। हमने एक थैली के अंदर 1-2 किलो लेना है, एक बाल्टी के अंदर पानी में डालते हुए उसको गीठा मार देनी है। उस थैली को ऐसे लीजिए जिसके अंदर, जिससे वो बाहर ना आए लेकिन पानी उसके अंदर जाए। उसमें हम 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए। बस गुड़ अगर जड़ में डालना है तब गुड़ डालें, अगर पत्तियों में स्प्रे करना है तब गुड़ की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद निकालते हुए हम उसको पूरा पेड़ों में, सब में, सब्जियों में पंप वगैरह यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं। आप देखेंगे संजीव जी, मैंने अपने घर में सब नीम का ऑयल का, ये देखिए कितनी सारी वो बना रखी है पेस्टिसाइड। ये देखिए नीम पेस्टिसाइड बना हुआ है, ये मेरा लगभग 1 साल पुराना हो चुका है, और ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हुए हर 10 से 15 दिन में मैं अपने आप ही सिर्फ वैसे ही बिना कीड़ों के ही इसको स्प्रे कर देता हूँ, तो मेरे जो गार्डन है उसमें कोई कीड़े वगैरह ज़्यादा आते नहीं है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और फिर आ ही जाते हैं तो हम नीम ऑयल का ही प्रयोग करते हैं, यही चीज़ें हम अपनी गार्डनिंग में करते हैं। ज़्यादा कुछ हमने वो नहीं डाला हुआ कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो, बहुत ज़्यादा कीड़े आ रहे हैं, केमिकल ला रहे हैं। हाँ, गुलाब के लिए कभी कभी दिक्कत होती है, क्योंकि गुलाब में थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसके लिए हमें कभी कभी लाना पड़ता है सिर्फ गुलाब के लिए, बाकी सारा प्योर ऑर्गेनिक, बाकी सारा प्योर ऑर्गेनिक। कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। आज की वीडियो में आपने जोशी जी का पूरा टेरेस गार्डन देख लिया है, किस तरीके से इन्होंने सब्जियाँ लगाई हैं, किस तरीके से फ्लावरिंग प्लांट लगाए गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे फिर से विजिट करूँ तो मैं ज़रूर आने वाले टाइम में विजिट करूँगा, क्योंकि मैंने इनका एडेनियम का कलेक्शन देखा जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है। तो समर्स में एक बार फिर से विजिट करेंगे जब इन पर फ्लावरिंग हो रही होगी, तो वहाँ पे आके फिर से मैं सर से कुछ नॉलेज लूँगा एडेनियम्स के ऊपर कि किस तरीके से प्रैक्टिकली वो काम करते हैं एडेनियम्स पे। तो ऐसी वीडियो रोज़ाना मेरे चैनल पर आती रहती हैं, ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बने बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डलती है तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिए, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ पे आके फॉलो किया है, और वहाँ पे भी हमारी फैमिली 1 लाख क्रॉस हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।